हम आपको एडवांस चीज़ें बता रहे हैं, हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बदलेगी, हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जिससे बाकियों की ज़िंदगी बदलेगी, हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जिससे पाकिस्तान बदलेगा। लेकिन इतनी जो स्किल्स हम आपको सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं? ताकि यू गेट अ फ्लेवर ऑफ एवरीथिंग। भाई जब तक आप चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि चीज़ आपको पसंद है या नहीं है? ये उसी तरह जिस तरह अगर आपने बिरयानी खाई है तो आपको पता होगा कि आपको बिरयानी अच्छी लगती है कि नहीं लगती। कितने लोगों को बिरयानी आलू वाली अच्छी लगती है? जवाब देने से पहले ये सोचें कि मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ। ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो कि ये सारी स्किल्स, ये सारे टूल्स, ये सारे प्लगइन्स, ये सारे थीम्स, ये सारी वर्डप्रेस की एडवांस फीचर्स हम आपको इसलिए ट्राई करा रहे हैं ताकि यू कैन फाइंड द राइट फ्लेवर फॉर योरसेल्फ। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो वर्डप्रेस को एज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ट्राई करना चाहेंगे, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो वर्डप्रेस को एज अ जॉब बोर्ड यूज़ करना चाहेंगे, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कि शायद वर्डप्रेस को एज अ क्लासिफाइड साइट यूज़ करना चाहेंगे, या आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो वर्डप्रेस पे अपनी ट्रैवल वेबसाइट क्रिएट करना चाहेंगे। क्यों? बिकॉज दिस इज़ बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव, या दिस इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर क्लाइंट्स। आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं, या आप वही करेंगे जो आपके क्लाइंट्स आपसे मांगते हैं। सो आवर सजेशन टू यू इज़ टू कीप ट्राइंग एंड टू कीप एक्सप्लोरिंग दीज डिफरेंट फीचर्स, प्लगइन्स, दीज डिफरेंट थीम्स, दीज डिफरेंट प्लगइन्स दैट वर्डप्रेस ऑफर्स यू। इसी तरह की एक और फीचर हम आपको ट्राई करने के लिए सजेशन दे रहे हैं जिसका नाम है किकस्टार्टर या क्राउड फंडिंग वेबसाइट। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस इज अ CMS। ये एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें डिफरेंट तरह की फीचर्स और चीज़ें पॉसिबल हैं। उन्हीं में से एक इज कि इफ यू वांट टू यूज वर्डप्रेस फॉर फंड रेजिंग। फंड रेजिंग क्या होती है? फंड रेजिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज क्राउड फंडिंग आजकल के ज़माने में, इज अ न्यू वे ऑफ गेटिंग मनी फ्रॉम पीपल, ताकि आप अपना कोई एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव या पर्पस पूरा कर सकें। सो व्हाट इज क्राउड फंडिंग? क्राउड फंडिंग इज द एक्ट ऑफ रेजिंग मनी फ्रॉम पीपल। भाई अगर लोगों से आपने पैसे बटोरने हैं अच्छे काम के लिए, तो आप फंड रेजिंग करेंगे या आप क्राउड फंडिंग करेंगे। क्राउड फंडिंग इज अ वेरी नोन वे ऑफ रेजिंग फंड्स ऑन द इंटरनेट। एंड आप वर्डप्रेस में एक ऐसा प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, एक ऐसी फीचर इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके थ्रू आप वर्डप्रेस से क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। एंड वी वांट यू टू ट्राई इट, क्योंकि हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े, हो सकता है आप एक सोशल एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, या हो सकता है आपके क्लाइंट को ये चीज़ रिक्वायर्ड हो जिसके लिए आप ये करेंगे। वन बिग एग्जाम्पल इज़ किकस्टार्टर। किकस्टार्टर इज़ अ वेरी फेमस वेबसाइट थ्रू विच यू कैन एक्चुअली डू क्राउड फंडिंग, और किकस्टार्टर की तरह की ही आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। दी अदर एग्जाम्पल इज़ इंडीगोगो। आप इंडीगोगो की तरह की एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं अपनी वेबसाइट पे यूजिंग वर्डप्रेस और यूजिंग वर्डप्रेस प्लगइन्स। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, एक केस स्टडी देना चाह रहा हूँ ऑफ अ लोकल स्टार्टअप जिसका नाम है मारखोर, जिसने अपनी साइट पे, अपनी सेल्स पे किकस्टार्टर को यूज़ करते हुए फंड रेजिंग की थी। इसी तरह की एक और वेबसाइट है जिसका नाम है seedout.org। दीज टू वेबसाइट्स आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ हैविंग टू यूज क्राउड फंडिंग एज अ मैकेनिज्म टू जनरेट मनी। तो क्वेश्चन ये कि क्राउड फंडिंग वेबसाइट बनानी क्यों है? व्हाट इज द नीड टू क्रिएट अ क्राउड फंडिंग वेबसाइट? भाई अगेन आप पे डिपेंड करता है, आपके ऑब्जेक्टिव पे, बट वन ऑफ द reasons इज़ कि यू want टू डू फंड रेजिंग फॉर चैरिटी। अगर आप चैरिटी के लिए पैसे जमा करना चाह रहे हैं तो आप एक क्राउड फंडिंग वेबसाइट बनाएंगे। अगर आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए पैसे जमा करना चाह रहे हैं तो आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएंगे जिस पे क्राउड फंडिंग प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे। और यू कैन यूज़ दिस टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर्स जिस पे वो आपकी वेबसाइट पे आके फंड रेजिंग कर सकते हैं। सो That's why crowdfunding is something that's very popular and something that should be explored. तो features कौन सी हैं एक crowdfunding website की? भाई आपको full control चाहिए over your backend
ताकि आप उसमें अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट्स डाल सकें. यू नीड अ डैशबोर्ड टू मैनेज प्रोफाइल्स. यू नीड द एबिलिटी टू ऐड कैंपेन्स. यू नीड पेमेंट गेटवेज. पेमेंट ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है. उसके जो गेटवेज हैं उसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी जब आप एक क्राउड फंडिंग वेबसाइट बना रहे हैं. आप वू कॉमर्स इंटीग्रेशन चाहेंगे ताकि आप डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकें. आप कंप्लीट ईमेल मैनेजमेंट भी चाहेंगे और आप चाहेंगे कि एक ब्लॉग सेक्शन भी हो. सवाल आ जाता है अगेन पैसों का कि पैसे कैसे बनाएंगे आप. सो यू कैन पुट एड्स ऑन योर क्राउड फंडिंग वेबसाइट और यू कैन चार्ज अ प्रोसेसिंग फी फॉर अदर प्रोडक्ट्स दैट आर ऑन योर वेबसाइट. फिर द सिंपल क्वेश्चन इज कि क्राउड फंडिंग वेबसाइट बनाएंगे कैसे. भाई आप थीम यूज़ कर सकते हैं. वन ऑफ द थीम्स दैट्स रियली पॉपुलर इन द क्राउड फंडिंग वर्ल्ड इज कॉल्ड बैकर. बैकर थीम आप यूज़ कर सकते हैं या आप कोई प्लगइन यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में क्राउड फंडिंग फीचर डालने के लिए. द प्लगइन दैट वी रिकमेंड इज कॉल्ड WP क्राउड फंडिंग. इट्स अ वेरी अमेजिंग प्लगइन दैट यू कैन यूज़ टू ऐड क्राउड फंडिंग फीचर्स टू योर वेबसाइट. तो अब चलते हैं लाइव और आपको दिखाते हैं कि क्राउड फंडिंग आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में प्लगइन्स को यूज़ करते हुए कैसे डाल सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स होती क्या हैं. सो लेट्स गो टू किकस्टार्टर. सो किकस्टार्टर इज अ वेरी पॉपुलर वेबसाइट जिधर लोग अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को पब्लिश करते हैं. सो किकस्टार्टर वेबसाइट लुक्स समथिंग लाइक दिस. जिस पे आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप बैक कर सकते हैं. सो इसी तरह एक थीम है जिसका नाम है वर्डप्रेस बैकर. सो वर्डप्रेस बैकर थीम आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं. इट्स अ पेड थीम जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट. या आप WP क्राउड फंडिंग के नाम से एक प्लगइन को ट्राई कर सकते हैं. ये बड़ा मशहूर प्लगइन है. इट्स अ फ्री प्लगइन दैट यू कैन यूज़ टू ऐड क्राउड फंडिंग टू योर वेबसाइट. इट हैज़ मोर देन 2000 डाउनलोड्स एंड रियली गुड रिव्यूज़. सो ये कुछ एरियाज हैं जिसको यूज़ करते हुए आप क्राउड फंडिंग अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं. आप पे डिपेंड करता है आप चैरिटी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, क्रिएटिव प्रोजेक्ट वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं. बट हमारा काम था आपको बताना ताकि आप सीख सकें, आप एक्सप्लोर कर सकें, आप यूज़ कर सकें, हमारे साथ सीखें, हमारे साथ समझें ताकि वी कैन ग्रो टुगेदर, वी कैन लर्न टुगेदर एंड वी कैन मेक पाकिस्तान अ पार्ट ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी.